बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में आतंकवादी हमला हुआ, सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया, सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में दो जवान शहीद हो गए, दो जवान घायल हुए। इस हमले में सेना के लिए काम कर रहे दो मजदूरों की भी मौत हो गई और एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। आतंकी संगठन PAFF लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ यह संगठन है, इसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ यह संगठन बताया जाता है। सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस पर सेना को क्या कुछ कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ वो जो जवान घायल बताए जा रहे थे उनकी हालत कैसी है, अब इसको लेकर क्या है अपडेट आसिफ? रोमाना देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच जो मेरे पीछे आप देख सकती हैं अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन्हीं पहाड़ों के पीछे अगर देखें तो LOC का इलाका है जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर से जुड़ता है, लेकिन ये इलाका अगर दाईं ओर देखें तो वो जम्मू के पुंछ इलाके से मिलता है, यानी घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच इस समय सेना का ऑपरेशन जो है लगातार उन मिलिटेंट्स की तलाश में जारी है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। मैं दिखा दूं कि हमला इतना तीव्र इस वजह से था कि ठीक ऐसी सड़क, यही सड़क जो है आगे उस जगह की तरफ जाती है जिसको नागन बहक कहते हैं, जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई थी, और केवल एक गाड़ी के चलने की यहाँ पे जगह होती है ज़्यादातर जगहों पर, और घने जंगल जो है सड़क के दोनों ओर हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और इतना बड़ा नुकसान सेना को उठाना पड़ा। तीन गाड़ियों का काफिला यहां से जा रहा था जो गुलमर्ग से ऊपर LOC की तरफ जा रहा था जब इसको निशाना बनाया गया, और कम से कम दो हमलावरों की पुष्टि उन जवानों ने की हैं जो इसमें जख्मी हुए थे, और माना यही जा रहा है कि दो से तीन का एक ग्रुप हो सकता है जो यहां पे आया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि ये कोई नया घुसपैठ किया हुआ ग्रुप नहीं है, ये पिछले कुछ समय से सक्रिय था और हो सकता है कि पुंछ के इलाके से इन्हीं पहाड़ों के जरिए अब गुलमर्ग सेक्टर में आकर यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया है। मैं बता दूँ कि PAFF का जो ताल्लुक है वो जैश मोहम्मद के छगन ग्रुप के तौर पर माना जा रहा है, और ये वाला इलाका जैश हमेशा से ही इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से देखें पुंछ के इलाके जहाँ से घुसपैठ होती है तो दाएं वाला इलाका बड़गाम की तरफ जाता है, पीछे पुंछ है, और बाएं वाला इलाका गुलमर्ग और यहाँ से बारामूला की जो है सिलिकॉट बॉर्डर वहाँ तक जाता है, यानी इसी वजह से यहाँ पे जैश हमेशा सक्रिय रहा है और इस हमले के पीछे भी जैश का ही हाथ बताया जा रहा है, और इस समय उन हमलावरों की तलाश के लिए यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो चिंता है सुरक्षा बलों की वो इस बात की है कि अगर हमलावर घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर बारामूला की तरफ शंस की तरफ चले गए तो वो वहाँ पे रिहायशी इलाका है उसमें वो फैल सकते हैं, जब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जी दाईं तरफ जो है द्रंग का इलाका है, टंगमर्ग गुलमर्ग का, तो यहाँ पे भी रिहायशी इलाके में अगर वो घुसे तो काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। और जवानों के बारे में बता दूं कि इनकी हालत दो जवानों की गंभीर बताई जा रही है जिनका उपचार श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में इस समय भी चल रहा है। रोमाना रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहले 20 अक्टूबर की वो तारीख थी जब गांधरबल में हमला हुआ, अब गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर बाकायदा घात लगाकर हमला किया गया, और कुछ दिन पहले ही आप जानते हैं विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में खत्म हुए हैं। हम जरा सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है और जरा उनसे समझते हैं। जगविंदर, ये जिस तरीके से विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आतंकवादी हमले और उनका जो पैटर्न है उसे किस तरीके से देखा और समझा जाए? देखिए, सबसे चिंता की बात यह है जो सुरक्षा एजेंसियों ने नया पैटर्न पकड़ा है, 2019 के बाद गोरिल्ला अटैक किए जा रहे हैं। टेररिस्ट पहले सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एंगेज होते थे और गन बैटल होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो बुलेट स्प्रे करते हैं और भाग जाते हैं, यानी ये गोरिल्ला रणनीति जो वो लेकर आए हैं इसको निपटना एक सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए नया चैलेंज साबित हो रहा है। दोनों अटैक, चाहे आप ये देख लें कि जो 20 तारीख का अटैक हुआ और ये 24 तारीख का अटैक जो सेना पर हुआ है, इन दोनों अटैक में गुरुला पद्धति को अपनाया गया। इसका मुख्य असर क्या पड़ेगा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता है, जो सरकार की चिंता है, उनको ये लग रहा है कि जिस टूरिज्म और ट्रेड को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए चाहे वो सरकार कोशिश कर रही है या फिर सेंटर कोशिश कर रहा है, उन दोनों चीजों को इससे धक्का लगेगा। और ये अटैक इसलिए खतरनाक होते हैं कि इसमें अंगेज ना होकर
टेररिस्ट एक अपना अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, और फिर छुप जाते हैं जाके। तो ये एक नई पद्धति आई है 2019 के बाद, जिसे एक बड़ा चैलेंज मान रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।